अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों? ठीक है। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों ने ना बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि भाई साहब इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसके बारे में ये बताइए वो बताइए ऐसे। ठीक है, तो आज जो वीडियो है वो मैं लेके आ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, ताकि आपको पता चले कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, और मैं आपको बहुत करीब से दिखाऊँगा। तो अगर वीडियो में कुछ भी मिस्टेक हो तो एडवांस में माजरत है। इसका मैं बूट खोल के आपको दिखा रहा हूँ और इसके एजेस दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि इसकी बूट बिल्ड क्वालिटी जो है ना वो कैसी है। आपको ये दिख रहा है, वेल्डिंग आपको दिख रही है ना? ठीक है, ये मट्टी है, लेकिन अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखें आपको पता चलेगा कि क्या वाकई ये बिल्ड क्वालिटी अच्छी है या ऐसे ही है। ठीक है, अगर आप ये इसके एजेस देखें, ये देखें, ठीक हो गया जी। इसी तरह यहाँ से देखिए जी, आप इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको नज़र आ रही है, ठीक हो गया। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये भी आप देख सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ इसकी लाइटिंग की एडजस्टमेंट देख लीजिए। आपको क्या आपको लगता है कि ये एक हल्की गाड़ी है या बहुत ही जो है ना वो लो बजट गाड़ी बनाई है, और इस वजह से जो है ना जी इसकी जो एजेस हैं वो ठीक नहीं है। ये रिफ्लेक्टेड भी आप देख लीजिए, इसके पार्किंग सेंसर। अच्छा जी, ये जो पीछे का इनका बम्बर है वो देख लीजिए आप, उसकी बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए। अच्छा, डोर के एजेस देख लीजिए। आपको अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि जी बहुत ही जो है ना वो, ये देख लीजिए, इसी तरह जी यहाँ से आप देख लीजिए, कोई ज़्यादा खला भी नहीं है इनके। थ्रू आउट जो है ना वो एक जैसे ही आपको जो है ना उसके अंदर लाइनिंग मिलेगी। यहाँ पे इसका हैंडल देख लीजिए, ये क्रोम की स्ट्रिप इन्होंने लगाई हुई है, वो देख लीजिए। ऐसे जब आप आगे आते हैं तो ये देखिए, इनकी फिनिशिंग मुझे बहुत मज़े की लगी है, कमाल की जो है ना वो फिनिशिंग इनकी लगी है। देखिए ऐसे लाइट की फिनिशिंग देख लीजिए आप, और यहाँ पे इनके जो एजेस हैं वो देख लीजिए। कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये बहुत ही लो बजट जो है ना कार है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये जो ग्रिल है ये देखिए, ये शाइनिंग जो है वो क्रिस्टल जो ब्लैक है। अच्छा जी, इसकी डोर बिट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, इस बार मैं आपको पूरी की पूरी जो गाड़ी है ना वो बहुत ही नज़दीक से दिखा रहा हूँ। जी ये फ्रंट डोर की है। अच्छा ये देख लीजिए, इसका जो ना ये लेदर है, इसके ऊपर लेदर है, ये देखिए। ठीक है, उसके साथ जो है ये दो कप होल्डर उन्होंने दिए हैं। अच्छा जी, अब आ जाए इसके गियर बॉक्स ऊपर, पूरा क्रिस्टल ब्लैक है। ठीक है, देखिए क्रिस्टल ब्लैक है। उसके अलावा ये जो इसकी बॉर्डर है गियर का, वो भी आप देख सकते हैं क्रिस्टल ब्लैक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना ये ज़बरदस्त प्लास्टिक है। इसका जो ग्लव बॉक्स है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी स्पेस है। उसके अलावा ये पूरा जितना भी सामने का पैनल है ना, ये क्रिस्टल ब्लैक है। देखिए ये क्रिस्टल ब्लैक है, ये प्लेन ब्लैक नहीं है। ठीक हो गया, देख लीजिए बिल्ट इन क्वालिटी उसकी, देखिए फिर मुझे बताइएगा। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की जी इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी माइलेज कैसी है।
जुलाइन इंजन। ये इसका स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल्स हैं, ये भी आप देख लीजिए, कहीं पे आपको कोई एक्स्ट्रा जो है वो एजेस नज़र आ रहे हैं जी कि यहाँ से मिसप्लेस हो गया है जी, यहाँ से लगा नहीं है, यहाँ से कुछ हुआ है, कहीं भी एक जगह भी नहीं है। मैं इंशाल्लाह जो है वो बहुत सारे दोस्त कह रहे थे जी कि आप यारस की गाड़ी के साथ इसका कंपेयर कीजिए, तो मेरे पास जो है वो 18 मॉडल यारस हैं, ठीक है, तो मैं उसके साथ इसको कंपेयर करूंगा। मेरे पास 20 मॉडल नहीं है क्योंकि 20 मॉडल सेम टू सेम इसकी शेप लगती है। अच्छा, सीटों का फैब्रिक आप चेक कर लीजिए, सोफा सीटें हैं। दोस्तों मैंने आपको आज गाड़ी जो है वो बहुत ही नज़दीक से और एक एक चीज़ जो है वो आपको ठीक मतलब चेक करके बताई है कि कैसी है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।